लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर अमाइनो एसिड्स एंड व्हाट आर देयर क्लासिफिकेशंस एंड देयर बायोलॉजिकल रोल इन द बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले अमाइनो एसिड की बात करें। अमाइनो एसिड क्या है? बहुत ही असेंशियल मटेरियल है और बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड चेन बनाकर, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाकर ही एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब अमाइनो एसिड की बात करेंगे। क्या है? एक तरह से बहुत असेंशियल मटेरियल है और इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं हम। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं। ये प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, अब हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये सिंपल मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, जो कि बाइंड अप करके प्रोटीन्स बनाते हैं। इसमें अगर बात करें सी इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे आ गया NH2 अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया अमाइनो एसिड का। इसमें क्या है, कार्बन चेन है। अगर हम बात करें, एक कार्बन चेन है। कार्बन चेन के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एक साइड अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और एक साइड कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अब जो अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? वो एक्सेप्ट करता है प्रोटोन को, इसलिए उसको कैटायन कहते हैं। तो ये जो होता है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कैटायनिक हेड है। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इसकी क्या टेंडेंसी होती है? ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ये प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो ये क्या हो गया, एनायन हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, एनायनिक हेड। अब ये जो कार्बन है, इसकी बात करें, ये कार्बन कैसा है? ये है कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है? आपने प्लस टू क्लास में पढ़ा होगा अपना कायरलिटी के बारे में। कायरल कार्बन आर दोस कार्बन जो कि अपनी ही मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, इम्पोज नहीं होते, उनको कायरल कहते हैं। यानी जो कार्बन क्या होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं, अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। जो उसकी मिरर इमेज बनती है उनको एनेंशियोमर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हैंड हो गया। ठीक है, इसकी मिरर इमेज आएगी इस तरह से, इस हैंड की मिरर इमेज इस तरह से आएगी। इसको हम सुपर इम्पोज करेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। अगर ये इस तरह से सुपर इम्पोज करेंगे तो हो रहा है, लेकिन अगर इसको इसकी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। ये कंसेप्ट आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो केमिस्ट्री में। तो उसको क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, जो कि अपनी ही मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता, उसको कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी बात करें, इसमें ये कैटायनिक ये क्या होती है, इसकी टेंडेंसी होती है प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, प्रोटोन एक्सेप्टर है इसलिए ये कैटायन होता है, इसलिए इसको कैटायनिक हेड कहते हैं। ठीक है, इसकी टेंडेंसी होती है प्रोटोन डोनेट करने की, तो इसको एनायन कहते हैं, इसलिए ये क्या है, एनायनिक हेड। अब कहते हैं कि आर, ये क्या है, साइड चेन है। इसमें अलग अलग ग्रुप्स है, वो ग्रुप यहाँ पे अगर लगा दी जाए तो अलग अलग अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अलग अलग अमाइनो एसिड होती है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ये सब है अमाइनो एसिड, जिसमें ये ग्रुप सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा, इतना पोर्शन सिमिलर रहेगा। ठीक है, और ये जो साइड चेन इसके अंदर इसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बनेगा। अब हम बात करें इस ग्रुप की, तो इसको क्या कहते हैं, ज्विटरायन कहते हैं, या फिर हम ज्विटरायन स्टेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो
ज्विटर आयन क्या होता है? जब बोथ दोनों कैटायनिक और एनायनिक आयन सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं और उसमें पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है दोनों इक्वल होते हैं तो उसको कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, और उस आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के ऊपर जो आयन की फॉर्मेशन होती है उसको ज्विटर आयन कहा जाता है या फिर ज्विटर आयन स्टेज कहा जाता है। ठीक है, ज्विटर मतलब कि डबल, दोनों प्रेजेंट होना। ठीक है, अगर हम बात करें अमोनिया ग्रुप की, ठीक है, अमीनो ग्रुप की, तो अगर मान लो अमीनो ग्रुप का इफेक्ट ज्यादा है तो ये किस तरह का नेचर का होगा? बेसिक नेचर का। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कार्बोक्सिल ग्रुप की, इसका इफेक्ट ज्यादा है तो इट मींस दैट इज एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, अब ये जो आपको बताया साइड चेन है, इसमें अलग अलग कोई भी कार्बन चेन बन सकती है, एलिफेटिक हो सकती है, एरोमेटिक हो सकती है, सल्फर कंटेनिंग ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर का हो सकता है, बेसिक नेचर का हो सकता है, अलग अलग तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर। अब हम बात करें जो अमीनो ग्रुप है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड मान लो ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा, इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन होता है जब इन अमीनो एसिड का, इस कॉम्बिनेशन पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब कि हाइड्रेशन मतलब कि हाइड्रेट, पानी, डी मतलब कि रिमूवल, यानी उसका वाटर का रिमूवल होना। इसके रिमूवल पे क्या होगा, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन, जैसे ये अमीनो एसिड है, ये हाइपोथेटिकल बना के बता दूं आपको, अमीनो एसिड, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड है। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, ये जब ज्वाइन हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो गई, ठीक है, वाटर लिबरेट हो गया, वाटर निकल गए यहाँ से, तो उसके बाद क्या होता है, ये बॉन्डिंग होगी, ये जब बॉन्डिंग होगी इसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड, पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड के साथ लिंक कर रहे हैं तो उसको क्या कह देंगे, बहुत सारे हैं तो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा वो, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, और यू कैन से दैट पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं, इनके बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से बना दिए, ये तो हाइपोथेटिकल, अगर हम स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके देखें, स्ट्रक्चर है जैसे इसकी बात करें, ये COO नेगेटिव, इधर NH2 कार्बन की चेन है, NH2 इधर एक और है, एक और हम COO नेगेटिव, ये कार्बन की चेन है, ये NH2। ठीक है, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, अब इसमें से क्या होगा, डिहाइड्रेशन यानी पानी का रिमूवल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये सी, इसको ज्वाइन किया, एन एच रह गया, ठीक है, और इधर सी डबल बॉन्ड ओ एनएच, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये क्या है, अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें क्या है, अमाइड लिंकेज है और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, इसको अमाइड लिंकेज भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका जनरल कि अमीनो एसिड होते क्या है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, बहुत ही एसेंशियल होते हैं, ये सिंपल यूनिट होती है, सिंपल मोनोमर्स होते हैं जो मिलकर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। ठीक है, और इसमें इसका ये स्ट्रक्चर हो गया, इसमें ये कैटायनिक हेड होता है, एनायनिक हेड होता है, और ये साइड चेन होती है। अमीनो एसिड बहुत सारे मिलकर क्या, डिहाइड्रेशन करते हैं कॉम्बिनेशन पे, और जो बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इनके उनको बहुत सारे लिंकेज करते हैं, जिसका ये डायग्राम बताया कि इसमें अमाइड लिंकेज हो रही है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। ये
और इसका स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो ये अलग अलग बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है अमीनो एसिड को। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, सबसे पहले इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीड। नीड या फिर नेसेसिटी, जरूरत के हिसाब से दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ नीड, दैट इज एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एंड सेकेंड वन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो नीड के अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी के हिसाब से ये दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो अमीनो एसिड होते हैं जिसमें जो ऑलरेडी हमें हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जिसको हमें अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है एसेंशियल अमीनो एसिड की, वो हम डाइट से पूरी करते हैं। डाइट के थ्रू हम उसको अपनी बॉडी में उसको बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं थ्रू द डाइट। ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम डाइट और फूड की हेल्प लेते हैं इसमें। ठीक है, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं इसके देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, 8 टाइप के एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, दैट इज वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, और मिथिलिन, थ्रेयोनिन, फिनाइल, एलानिन, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल, एलानिन, थ्रेयोनिन, मिथिलिन, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। ठीक है, ये 8 टाइप्स के एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, अब हम बात करें अगर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की, तो इसको क्योंकि जो एसेंशियल अमीनो एसिड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में नाइट्रोजन बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसके कारण क्या होती है, मेंटल ग्रोथ भी रिटार्ड कर सकती है और नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो ये डाइट्स के थ्रू हम इसकी फुलफिलमेंट कर लेते हैं, डाइट के थ्रू लेते हैं। ठीक है, इसमें ये एग्जाम्पल है जैसे इसके 8 टाइप्स के, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, मिथिलिन, थ्रेयोनिन, फिनाइल एलानिन एंड लाइसिन। अगर हम इसमें बात करें जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइट में कैसे लेते हैं, कैसीन एक तरह का प्रोटीन है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है। इस तरह से अलग अलग प्रोटीन होते हैं जो कि अलग अलग डाइटरी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डाइट के थ्रू हम उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नॉन एसेंशियल, ये भी अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ नीड के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड की नेक्स्ट टाइप है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल में क्या होता है, ये तो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। ये इस तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी में अपने आप ही सिंथेसाइज होते हैं, इसको बाहर से डाइट के थ्रू लेने की जरूरत नहीं, अपने आप बॉडी में ये बनते हैं, सिंथेसिस होती है इसकी। इसमें ये 12 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स इसके हैं जैसे एलानिन, एलानिन हो गया, टायरोसिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन हो गया। ठीक है, तो 12 है इसके एग्जांपल्स, आप देख सकते हो प्रोलिन, हिस्टिडिन, ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नीड, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ये कितने टाइप्स के होते हैं
दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है इसको इनडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड भी कहा जाता है, एंड जो नॉन एसेंशियल है इसको डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड भी कहा जाता है। एसेंशियल इज ऑल्सो नोन एज इनडिस्पेंसेबल एंड नॉन एसेंशियल इज ऑल्सो नोन एज डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड। ठीक है, ये तो हमारी कैटेगरी होगी ऑन द बेसिस ऑफ नीड, जैसी नीड है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन इन द सॉल्यूशन, अब हम अमाइनो एसिड की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इन द सॉल्यूशन, इसको कितनी थ्री टाइप की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन है, जो भी रिएक्शन हो रही है सॉल्यूशन में उसके बेस पे थ्री टाइप्स के हैं ये, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, देन एसिडिक न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड्स, एंड देन थर्ड वन इज बेसिक अमाइनो एसिड्स। जिस तरह की रिएक्शन है उसके बेस पे इसको तीन तरह की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आ जाती है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब न्यूट्रल अमाइनो एसिड की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर के बेस के बेस पे इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे एलिफेटिक, एलिफेटिक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक एंड फोर्थ वन इज सल्फर कंटेंट। ग्लाइसिन, एलानिन, सेरिन, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरिन, ठीक है, और आ जाते हैं इसमें थ्रियोनिन, वैलानिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, वैलानिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो जैसे इसका जो नॉर्मल जो इसका स्ट्रक्चर हमने देखा था C=C, ये R साइड चेन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। तो इस जो इनके स्ट्रक्चर है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे ये चार कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज एलिफैटिक, एरोमेटिक, हेटरोसाइक्लिक एंड सल्फर कंटेनिंग। अब इसमें जो एलिफैटिक के एग्जांपल है वो है ग्लाइसिन, एलानिन, सेरिन, थ्रियोनिन, वैलिनिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। इसमें जो इसकी साइड चेन है यानी आर, इस ग्रुप की जगह क्या लग जाएगा, जैसे ग्लाइसिन में एच, एलानिन में सी एच थ्री, ठीक है, सेराइन में, सेरिन में CH2OH। इसमें सिर्फ ये R ग्रुप चेंज होता रहेगा, बाकी ये सारा ग्रुप सेम रहेगा, बस इसकी चेंज होती रहेगी। उसके बाद थ्रियोनिन में CHOH CH3, ठीक है, इसमें थ्रियोनिन में R ग्रुप की जगह हम वो वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच कर लेंगे, ठीक है,
और वैलिसिन में CH3। ठीक है, वैलिसिन में हमारा वो ग्रुप अटैच हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ल्यूसिन। ल्यूसिन में क्या है, ल्यूसिन में हम क्या करेंगे, जो CH3। ठीक है, ये ल्यूसिन में अटैच हो जाएगा किधर, आर के साथ, जो आर साइड चेन है उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और आइसोल्यूसिन में ये ग्रुप आइसोल्यूसिन में अटैच हो जाएगा। तो ये क्या आ गए हमारे एलिफैटिक अमाइनो एसिड, जिसमें ग्लाइसिन है। अगर यहाँ पे एच एच लगा दिया तो हमारा ग्लाइसिन है, आर क्या है साइड चेन है, यहाँ पे एच लगा दिया तो ग्लाइसिन बन गया। अगर यहाँ पे CH3 लगाया तो इसमें एलानिन लग गया। अगर हमने इसमें CH2OH ये सेरीन बन गया, उसके बाद थ्रियोनिन, उसके बाद वैलिनिन। इसी तरह से बस सिर्फ ये जो आर ग्रुप है, आर साइड चेन है, उसमें ये स्ट्रक्चर चेंज होएगा। ये स्ट्रक्चर इसमें इसमें यहाँ पे अटैच कर देंगे, बाकी सारा ग्रुप सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल करते हैं एरोमेटिक एसिड्स के। ये तो हो गए हमारे एलिफैटिक। एरोमेटिक जिसमें ये बेंजीन रिंग आ जाती है वो एरोमेटिक होती है, एलिफैटिक में कार्बन चेन होती है सीधी। अब हम बात करें एरोमेटिक ग्रुप, तो ये सारा सिमिलर रहेगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाते हैं फिनाइल एलानिन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। फिनाइल एलानिन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, अब इसमें आर ग्रुप क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर ग्रुप है। ठीक है, फिनाइल एलानिन में क्या होता है, बेंजीन रिंग CH2, बेंजीन रिंग के साथ CH2। और टायरोसिन में क्या है, बेंजीन रिंग के साथ CH2OH। ये हमारी बेंजीन रिंग है इसके साथ। उसके बाद आ जाता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में क्या आ जाएगा, CH2 ये ग्रुप है, इधर अमाइन है। ठीक है, और इसके साथ क्या है, यहाँ पे CH2 यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो ये आ गया फिनाइल एलानिन। ठीक है, फिनाइल एलानिन यहाँ से ये अटैच हो जाएगा, यहाँ से ये अटैच हो जाएगा, इधर जो इसकी साइड चेन दे रखी है, और ये टायरोसिन और ये ट्रिप्टोफैन। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गए हमारे एरोमेटिक। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक में जैसे एग्जांपल आ जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक में प्रोलीन। प्रोलीन में कौन सा ग्रुप अटैच होएगा, ये जो ग्रुप है ये साइड चेन में यहाँ पे लग जाएगा, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्रोलिन हेट्रोसाइक्लिक जो अमीनो एसिड है प्रोलिन, उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सल्फर कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग में एग्जांपल आ जाते हैं जैसे सिस्टीन एंड मिथियोनिन। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगेगा, जो सिस्टीन है उसमें CH2SH। ठीक है, यहाँ पे CH2SH लग गया तो वो सिस्टीन का स्ट्रक्चर बन गया, जो कि हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड है। अब यहाँ पे क्या होता है, CH2 CH2 SCH3 CH2। ये वाली कार्बन चेन, ये वाली कार्बन चेन इससे अटैच हुई तो वो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, सल्फर कंटेनिंग
जो कि अमाइनो एसिड है मेथियोनिन, उसका ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए न्यूट्रल अमीनो एसिड। हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन इट इज कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरी, दैट वन इज न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड। जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एलिफैटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक, हेटरोसाइक्लिक एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। जो एलिफैटिक अमीनो एसिड था इसके अंदर ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, एलानिन, आइसोल्यूसिन, वैलिनिन, थियोरिन, इसका स्ट्रक्चर बताया। फिर उसके बाद एरोमेटिक था, इसमें फिनाइल एलानिन और ट्राइटायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, जिसमें साइड चेन है इनके अलग अलग स्ट्रक्चर है, बाकी सारा ग्रुप सिमिलर है बिल्कुल। उसके बाद आ गया सल्फर कंटेनिंग, उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें प्रोलिन का एग्जांपल हो गया, प्रोलिन में ये स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर लगा दें तो ये प्रोलिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा अमीनो एसिड, जो कि हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड है। उसके बाद आ जाएगा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसमें सिस्टीन और मिथिलीन का एग्जाम्पल है। इसमें ये ग्रुप अगर सल्फर के साथ ये जो कार्बन चेन वाला ग्रुप है यहाँ पे अटैच कर दिया तो वो सिस्टीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और मिथिलीन में अगर हमने ये सल्फर के साथ ये जो कार्बन चेन है इस इधर से अटैच कर दिया, इस ग्रुप से अटैच कर दिया तो ये मिथिलीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, मिथिलीन स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड। ये क्लासिफिकेशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही हो गया। हमने दो, एक तो एसेंशियल किया था और नॉन एसेंशियल किया था, जो कि हमने किसके बेस पे किया था, नीड के बेस पे, जिसको डिस्पेंसेबल एंड डिस्पेंसेबल भी कहते हैं। उसके बाद हमने रिएक्शन के बेस पे किया, जिसमें हमने न्यूट्रल अमीनो एसिड में जो स्ट्रक्चर की फॉर्म में चार कैटेगरी में डिवाइड किए वो करिए। नेक्स्ट हम करेंगे एसिडिक अमीनो एसिड, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।